हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीसी क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, हम लोग कंस्ट्रक्शन में एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन देख रहे थे। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके सिमिलर हमें एक ट्रायंगल बनाना है। जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी हम सिमिलरिटी में पढ़ चुके हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। अब इसमें रेशियो दिया हुआ है कि भाई आपके ट्रायंगल का रेशियो 5:3 होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है, उसमें रेशियो 3:5 था। रखिएगा, उसमें हमारा रेशियो 3:5 था, आज हमारा रेशियो 5:3 है। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, कैसा ट्रायंगल बनेगा, इसकी हम चर्चा करते हैं। रेस्ट सारे मेजरमेंट्स हमारे वही है। एक ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, 20 सेंटीमीटर, 30.5 सेंटीमीटर और 21.5 सेंटीमीटर के साइड्स गिवन है। सबसे पहला काम है हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें 30 सेंटीमीटर का राइट सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। तो 30 सेंटीमीटर का एक राइट सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब हमें क्या क्या करना है, 30.5 और 31.5 सेंटीमीटर का साइड चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, इससे कंपास से हम इसमें स्केल से मेजर कर लेंगे 31 सेंटीमीटर और 30.5 और 31.5। तो पहले हमें 30.5 चाहिए, तो हम 30.5 से मेजर कर लेते हैं। ओके, तो 30.5 मेजर कर लीजिए। फिर हम दूसरे एंड पे रखेंगे और फिर हम आर इधर कट कर लेते हैं, राइट। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। अब जब आप इसको इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कराएंगे तो आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। ये ट्रायंगल तैयार है हमारा। जिस ट्रायंगल के सिमिलर हमें ट्रायंगल बनाना है वो ट्रायंगल हमारा बन गया, ओरिजिनल ट्रायंगल हमारे पास आ गया, ठीक है। और इसी का सिमिलर ट्रायंगल हमें बनाना जिसके साइड्स 5:3 के रेशियो में, मतलब कि इसका सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना है। तो नए ट्रायंगल और ओरिजिनल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो 5:3 होना है। तो इसके लिए एक ट्रायंगल हमने कह दिया एबीसी हमारा ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एक्यूट ट्रायंगल बनाते हैं। इसको हमने पिछले क्लास में भी देखा था, सेम वे में हम यहां भी करना है। जो हमने पिछले क्लास में देखा बस उसी तरह से हमारा ये भी होगा, ठीक है। अब हमें देखना 5:3 दो है ना, पिछले में हमने देखा था 3:5 का रेशियो था, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था उसकी चर्चा कर लेते हैं। आज हमें 5:3 का रेशियो करना है। 5:3 में बड़ा करो 5, तो इसको अब 5 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। इसको x रख लें यहां पे, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो 5 इक्वल पार्ट्स के लिए आप अपने मन से इतना बड़ा आयतन हम रख सकते हैं, 1, 2, 3
चार और ये हो गया हमारा पांच, फाइव इक्वल पार्ट्स हो गए। अब आप इसको लिख दीजिए, इसका नाम लिख दीजिए, यहाँ पे पॉइंट मार्क कीजिए, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर एंड बी फाइव। ओके, अब देखिए फाइव इज टू थ्री का रेशियो है, कल भी कल हमारा थ्री इज टू फाइव का रेशियो था, आज हम फाइव इज टू थ्री देख रहे हैं। ध्यान ये रखना है कल हमारा 3:5 था तो हमने फिफ्थ पॉइंट से सी को ज्वाइन कराया था, आज हमारा 5:3 है तो 3 थर्ड पॉइंट से हम इसको ज्वाइन कराएंगे। समझ में आ रही बात? यहां हमें बस इतना ध्यान रखना बाद वाले से हमको एंड पॉइंट को ज्वाइन कराना है, ठीक है? तो हम इसको B3 से ज्वाइन कराते हैं। जब B3 से हम इसको ज्वाइन कराएंगे तो अब B3C के पैरेलल हमें B5 से बनाना है, ठीक है? तो B3C से पैरेलल बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल इक्वल एंगल बनाना पड़ता है ना, ठीक है? तो इक्वल एंगल बनाने के लिए हमें यहां पे एक आर्क लेना होगा, राइट? यही आर्क हम यहां रखते हैं, सेम मेजरमेंट का आर्क, ना बढ़ाना है ना घटाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना आर्क हमारा वहां था उतना ही आर्क हम इधर लेंगे। समझ में आ रही बात? अब हम यहाँ आर्क को मेजर कर लेते हैं, ठीक है? इतना हम यहाँ इसमें कट कर देते हैं, ओके? अब इसको ज्वाइन कराते हुए आगे बढ़ाएंगे। अब हम इसको इधर आगे बढ़ाएंगे, इसको मिलाते हुए, ठीक है? इसके पैरेलल बनेगा, ये थोड़ा सा इधर आना चाहिए था, ओके? ये जो पॉइंट हमारा आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इससे हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस ए सी के पैरेलल हम यहां पर इसको सी डैश कर लीजिए, ए सी के पैरेलल सी डैश से एक लाइन ड्रॉ, ठीक? इसके लिए फिर से हमें एक आर इधर लेना है, यहां से हम एक आर लेते हैं, सेम आर हमें यहां कट करना होगा, इधर हमें इस आर्क को मेजर करना पड़ेगा और यहां से इसको हम कट कर लेते हैं, ओके? अब हम इसको ज्वाइन कराएंगे,
ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा यहां का पॉइंट, ठीक। अभी हम बीच से डिस्टेंस को थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तब आपका ये फिगर क्लियर रहेगा। अब ये हमारा ए डैश, ये जहां पे मिलेगा इसको हम ए डैश रखेंगे। नाउ ए डैश बी सी डैश इज द हाइपोटेनस ट्रायंगल, ओके। ए बी सी वाज द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो हमें चाहिए था, ठीक। अब इसको हम स्टेप्स में लिख लेते हैं। स्टेप्स में जिस तरह हमने पिछले क्लास में लिखा था सेम टू सेम वही काम हमें यहां भी करना है, फिर से उतना ही काम यहां भी करना है। एक स्टेप्स में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक 30 सेंटीमीटर का वायर हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ BC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ओके। स्टेप नंबर टू विद सेंटर B एंड रेडियस 30.5 सेंटीमीटर, विद सेंटर B एंड रेडियस 30.5 सेंटीमीटर, कट एंड आर्क, ओके। थर्ड विद सेंटर C एंड रेडियस 31.5 सेंटीमीटर, ओके। कट एंड अनदर आर्क, कट एंड अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग the previously drawn arc at C. Thus, triangle ABC is the triangle with the given measurements अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इससे आगे हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, अब हमें सीमिलर ट्रायंगल की बात करनी है। तो स्टेप नंबर फोर में क्या करेंगे, स्टेप नंबर फोर क्या होगा हमारा, कंस्ट्रक्ट एन एंगल एक्यूट एंगल सी बी एक्स, ओके। कंस्ट्रक्ट एन एक्यूट एंगल एंगल सी बी एक्स। नेक्स्ट मार्क फाइव पॉइंट्स बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव सच दैट B1 equal to B1, B2 equal to B1, B3, B2, B3 equal to B3, B4 equal to B4, B5. Mark 5 points. B1, B2, B3, B4 and B5. Such that B1 equal to B1, B2 equal to B2, B3 equal to B3, B4 equal to B4, B5. Okay, step number 6. Join B3C. Join B3C. Step number 7. Step number 7. Draw B5C dash parallel to B3C. Draw B5
बीसी डैश पैरेलल टू बीसी। अब यहां पे आप एक ये लिख सकते हैं इसमें ब्रैकेट में, कैसे आपने किया तो बाय कंस्ट्रक्टिंग इक्वल एंगल्स एट इक्वल एंगल्स टू बी थ्री एट बी फाइव। ठीक, या आप यहां छोड़ भी सकते हैं, ड्रॉ बी थ्री फाइव सी डैश पैरेलल टू बी थ्री सी विच इंटरसेक्ट्स which intersects BC produced at C dash BC produced at C dash step number 8 draw A C dash A dash parallel to C A A dash parallel to C A which intersects B A produced at A dash which intersects B A A dash B C dash is the required triangle which is similar to triangle A B C. Clear? Clear? ये हमारे three steps हो। अब इस जस्टिफिकेशन की तरफ चलते हैं। जस्टिफिकेशन में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम वैसा ही काम हमें यहां करना है। हमें पहले इन दोनों ट्रायंगल को जस्ट शो कर लेना है रेशियो मींस व्हाट बीसी और बीसी डैश के लिए हमें रेशियो फाइंड कर लेना है, फिर हमें सारे साइड्स की रेशियो को शो कर देना है। ठीक है, जस्टिफिकेशन में आते हैं हम। जस्टिफिकेशन में हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल बी बी फाइव सी डैश, ओके, इन ट्रायंगल बी बी फाइव सी डैश बी थ्री सी इज पैरेलल टू बी फाइव सी डैश, ओके, क्लियर। BTC is parallel to B5C dash. जब ये दोनों साइड हमारा पैरेलल हो गया, मतलब क्या हो गया? हेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है? Then by Hell's theorem, by Hell's theorem, we have what we have. क्या हुआ हेल्स थ्योरम में? क्या कहता है? इक्वल रेशियो में डिवाइड करें, मतलब क्या कि बी बी थ्री बाय बी बी फाइव इक्वल टू बी सी बाय बी सी डैश, ओके। तो ऐसा करते हैं बी बी फाइव बाय बी बी थ्री इक्वल टू बी सी डैश बाय बी सी। ये रेशियो देखिए क्या है, बी बी फाइव बी से बी फाइव तक फाइव इक्वल पार्ट्स हैं, बी बी थ्री थ्री इक्वल पार्ट्स हैं, इनमें से और 5 बाय 3, ओके, इसको आप इक्वेशन में बदल दीजिए।
अब आ जाइए इन दोनों ट्रायंगल में एबीसी और ए डैश बी सी डैश। ओके नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश वी हैव व्हाट डू वी हैव एंगल बी इज कॉमन राइट एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके इसको लिख लीजिए क्या कि एंगल ए बी सी ऐसा कर दीजिए यही पे ए डैश बी सी डैश कर दीजिए और यहाँ ए बी सी कर लीजिए पहले इसको रखते हैं तो ए डैश बी सी डैश इक्वल टू एंगल ए बी सी क्यों ऐसा है बिकॉज दी एंगल्स आर कॉमन। ओके सेकेंड वन इज वॉट एंगल ए डैश सी डैश बी इक्वल टू एंगल ए सी बी क्यों बाय कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हमने इतना ही काम किया है इक्वल एंगल कंस्ट्रक्ट किया है इससे क्या होगा देयरफॉर ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी व्हाट दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हाट बाय ए ए सिमिलैरिटी ओके अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या होगा क्या होगा इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे तो इसकी बातों को फिर से हमें लिख देना है। ओके दिस इंप्लाइज ए डैश बी बार ए बी इक्वल टू बी सी डैश by BC equal to A dash C dash by AC. Okay? क्या क्या किया A dash B by AB equal to BC dash by BC equal to A dash C dash by AC. ठीक अब यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर वन में देखो BC डैश बाय BC इक्वल टू 5/3 है BC डैश बाय BC इक्वल टू 5/3 है मींस ये सब का सब 5/3 हो जाएगा इक्वल टू 5/3 ये कहाँ से मिला हमें तो फ्रॉम इक्वेशन वन। ओके हेंस इट इज जस्टिफाइड ठीक है इतना ही काम करना था हमें ये हमारा जस्टिफिकेशन था सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में देखा था सेम टाइप का क्वेश्चन हमने आज देखा था ठीक इसको आप अच्छे से करेंगे कि दो टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होना फिक्स है बट डिफरेंस कहां आया है इसको देखिए पिछले क्लास में हमने 3:5 का रेशियो लिया था आज हमारा 5:3 का रेशियो है सिर्फ यही डिफरेंस है कल जो बना था हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल से छोटा ट्रायंगल बना था आज का ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल बना ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक और इस टाइप के क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है बहुत आसान होता है इजी होता है इजीली आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इजीली आप यहां से 3-4 नंबर आप ले सकते हैं ठीक है ये फ्री का है ओके सो डियर स्टूडेंट्स बी वेल प्रिपेयर्ड बी अवेयर एंड डू योर बेस्ट